चाइना में ये कोविड-19 वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, बाद में हमने अध्ययन करने की कोशिश की कि चाइना के लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या किया, तो बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिंस थी उनका भरपूर प्रयोग किया अपने कोविड के मरीजों के ऊपर। हम लोग कभी कभी हमारी जो अपनी चीज़ है उसको इस्तेमाल करने में सोचते रहते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर इस अवसर पर मैं ये भी बात स्मरण कराना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को ये मन में रहता है कि शायद जो मॉडर्न सिस्टम है ये आयुर्वेद का विरोधी हो सकता है। तो मैंने तो वर्षों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी उसी प्रकार से डिस्कशन होता है, उसी प्रकार से निर्णय होते हैं, उसी प्रकार से पॉलिसी होती है, उसी प्रकार से जो होना चाहिए कैसे सारे सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैसे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सबको मिलके काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं।